जब से हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों का ऐलान हुआ था तब से ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी सतर्क हो गए थे। वहीं चुनाव आयोग ने शुक्रवार को झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। सीएम केजरीवाल को लगने लगा था कि दिल्ली के चुनावों का ऐलान भी झारखंड चुनावों के साथ हो सकता है, लेकिन सिर्फ झारखंड चुनाव का ऐलान होने से साफ हो गया कि दिल्ली के चुनाव तय वक्त पर होंगे। दिल्ली के चुनाव दिसंबर तक पूरे हो जाएंगे आपके काम। क्या फिर से होंगी गठबंधन की कोशिशें? दिल्ली की आम आदमी पार्टी के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण था कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव तय समय पर हों, क्योंकि आपके ज्यादातर काम दिसंबर तक पूरे दिखने लगेंगे। फिर चाहे वो बसों में मार्शल की तैनाती हो या स्ट्रीट लाइट हो या डोर टू डोर सर्विस का काम हो। अरविंद केजरीवाल ने महाराष्ट्र हरियाणा चुनावों के ऐलान के बाद तकरीबन रोज खुद या अपनी सरकार की तरफ से नए ऐलान किए, यहां तक कि कार्यकर्ता सम्मेलन भी शुरू किया। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस और आप दोनों पार्टियों में गठबंधन को लेकर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। हालांकि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित आपके साथ गठबंधन के खिलाफ थी। दूसरी बात, कांग्रेस की कमान अब फिर से सोनिया गांधी के हाथ में है। तब से गठबंधन और नए सहयोगियों की तरफ हाथ बढ़ाने में भी अब कांग्रेस को झिझक नहीं है। इसलिए अरविंद केजरीवाल को इन सब बातों के लिए कम से कम 2 महीने का वक्त मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।